Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advaita Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021. So guys, आज है इस सीरीज का डे 39 और आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर JEE Main में हर एक साल दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं. पी ब्लॉक का आज है फर्स्ट पार्ट. अगले क्लास में हम सेकेंड पार्ट पी ब्लॉक का पढ़ेंगे. दो लेक्चर में हमारा पी ब्लॉक कंप्लीट होगा बिकॉज पी ब्लॉक बहुत ही बड़ा चैप्टर है कह सकते हो ना, क्योंकि इसमें ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18 सब पढ़ने हैं. ठीक है, तो दो लेक्चर में हम कंप्लीट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट मतलब एक भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो सारे पॉइंट पे क्वेश्चन करवाया गया है और साथ में है ना जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसकी थोड़ी थोड़ी थियरी भी डिस्कस कर देंगे. क्लियर? सो गाइस शुरू करते हैं आज का प्यारा सा तगड़ा सा जोश और जुनून वाला लेक्चर. लेट्स स्टार्ट, लेट्स रॉक. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, जो नीट वाले बच्चे हैं उनके पी ब्लॉक से चार क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन लगभग हर साल इस टॉपिक पे होता है. क्या कहा जा रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज लिस्ट स्टेबल एंड हैज डाउटफुल एग्जिस्टेंस. जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लिस्ट स्टेबल कंपाउंड बताओ या डाउटफुल एग्जिस्टेंस है, तो समझ जाना कि क्वेश्चन अपना किसका है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का है. किसका है? इनर्ट पेयर इफेक्ट का है. इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने क्या पढ़ा था कि ध्यान समझते हैं. इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो पी ब्लॉक के जो लास्ट है ना एलिमेंट होते हैं, जैसे ग्रुप 13 का लास्ट क्या होगा, काशी, गए, शंकर, पार्वती. नाइट्रोजन वाले ग्रुप का क्या होगा, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी. ठीक है, ये सब. बोरॉन की अगर हम बात करें, बोरॉन वाले ग्रुप का, तो बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक. ठीक है, तो इन सब में क्या होता है भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. समझेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है इन सारे ग्रुप्स में कि लास्ट वाले जो एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 13 का सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो थैलियम, वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट से दो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप नंबर के बराबर होता है. जैसे ये थर्ड ए ग्रुप है तो बोरॉन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होता है, एल्युमिनियम का भी 3 होता है, गैलियम का भी 3 होता है, इंडियम का +3 और +1 दोनों ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इधर से इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रभावी ज्यादा होने लगता है. लेकिन अगेन इंडियम का भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है ना. थैलियम का +1 +3 दोनों ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +1 होगा. सिमिलरली अगर हम ग्रुप 4A में चले जाएं तो इस ग्रुप के सारे एलिमेंट का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए. लेकिन जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो अपने ग्रुप नंबर से दो कम ऑक्सीडेशन शो करता है. ऑक्सीडेशन नंबर मींस +4 -2 कर दो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सिमिलरली बिस्मथ जो है वो +5 ना शो करे, +3 शो करता है. ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है? कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हाँ यूनिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे पूछ सकता है कि जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. ठीक है, तो उसमें मान लो इंडियम गैलियम दिया रहे तो ये आंसर नहीं हो. क्यों? क्योंकि इंडियम का +3 भी एग्जिस्ट करता है, +1 भी एग्जिस्ट करता है. इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझाया हुआ. ठीक है, हाँ वो अलग बात है कि स्टेबल क्या होता है, +3 वाला, लेकिन एग्जिस्ट तो दोनों ही कर सकता है. ठीक है, अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे. आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट आई होप की समझ में आ गया होगा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा. इनर्ट पेयर इफेक्ट में पीरियोडिक टेबल मैंने क्वेश्चन कराया था, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसे वाला भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चलो, तो डाउटफुल एग्जिस्टेंस किसका होगा, ध्यान से देखें तो ये कार्बन है ना, कासी नहीं, कासी तो नहीं है, SN है, मतलब इसी ग्रुप का है, गए, ये फिर पार्वती, मतलब सब यहां पे जो सेंट्रल मेटल एटम है सब कहां पे, मतलब किस ग्रुप का है, ग्रुप 14 का है. तो पीबी देखो ध्यान से, पीबी I4 अगर देखें ना तो I4 है, मीन्स इधर -4 चार्ज, पीबी पे क्या हो गया, +4 चार्ज. ठीक है, पीबी का यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है पीबी I4 में, लेकिन पीबी का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है. मींस पीबी I4 एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, है ना, डाउटफुल एग्जिस्टेंस है इसका. ठीक है, पीबी I2 एग्जिस्ट करेगा, है ना, पीबी I4 का एग्जिस्टेंस डाउटफुल है. तो हमसे डाउटफुल एग्जिस्टेंस ही तो पूछा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा. सी I4 ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा, SN, G ये सब एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, बोलोगे कि सर SN I4 एग्जिस्ट करेगा क्या, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा,
अरे क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, देखो ये जो है वो प्लस फोर और प्लस टू दोनों ही शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, प्लस फोर ही आएगा, ठीक है, तो एग्जिस्ट करेगा एसएन वाला भी, क्लियर। तो आई होप कि इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका पूरा रिवाइज हो गया, क्लियर। नेक्स्ट में आ जाते हैं ग्रुप 14 में, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, डायमंड पे बेस्ट क्वेश्चन है, समझेंगे जरा प्यार से, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, डायमंड इज हार्ड बिकॉज, अब देखो डायमंड जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप क्या करो, देखो सही तरीका क्या होता है, क्रैश कोर्स से फायदा कैसे लेते हैं लोग, ठीक है। अब जब क्वेश्चन आए इनर्ट पेयर इफेक्ट पे, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यहां पे देख लिया और उसके बाद एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट जो नोट्स में लिखा था वो पढ़ लेंगे, तो आपका वो टॉपिक क्या हो गया, पक्का हो गया, वापस रिवीजन करना नहीं पड़ेगा बहुत दिन तक, 8-10 दिन तक, ठीक है। उसका जैसे आया डायमंड पे क्वेश्चन, तो पहले क्या करें कि डायमंड का वो जो नोट्स है उठाएंगे, एक एक पॉइंट जो हमने लिखवाया है या कहीं और से जो भी पढ़ा है वो पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक दे, तो ये सही मेथड होता है ना, ऐसे मेथड से अगर आप जाओगे तो आपका बहुत फायदा होगा, क्लियर है। हाँ, डायमंड इज हार्ड बिकॉज ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड टू इच कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा चार ऑप्शन पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि मतलब आपको सही लगे फर्स्ट ऑप्शन ही, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहला तो ये कह रहा है कि ऑल द फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड टू इच कार्बन एटम्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कि जो एक कार्बन होता है वो अनदर चार कार्बन है ना एटम्स क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड, सही बात है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल, अरे ऐसा कहां, डायमंड तो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ऐसा कौन बोला है, ठीक है। इट कैन नॉट बी बर्न, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। हार्ड पूछ रहा है, इसका रीजन ढूंढो, तो हार्ड वो इसलिए होता है क्योंकि डायमंड हार्ड इसलिए होता है क्योंकि यहां पे एक कार्बन चार अनदर कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ा होता है, और ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है फिर क्या करेगा ये भैया चार से जुड़ेगा, फिर ये भी चार से जुड़ेगा, इस तरीके से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर देता है। तो अगर ध्यान समझो, अगर डायमंड को तोड़ना है, इसका मतलब जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है सबको तोड़ना है, और कोवेलेंट बॉन्ड इतना वीक बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब डायमंड पे बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि डायमंड क्या इलेक्ट्रिकल ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है या नहीं है, तो डायमंड के चूंकि चारों वैलेंस, डायमंड में जो कार्बन के जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या चले गए भाई, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने में चले गए, मींस यहां पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो डायमंड है, डायमंड जो है वो वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक खासकर ब्लॉक्स, ठीक है। उसके बाद एक चीज मैंने आपको बताया था, याद करो, डायमंड और ग्रेफाइट में एक चीज बताया था कि थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो लोगों को लगता है कि डायमंड हार्ड है तो डायमंड स्टेबल होगा ग्रेफाइट से, ऐसा कुछ नहीं है। थर्मोडायनेमिकली अगर देखें तो ग्रेफाइट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ग्रेफाइट की फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है ना कम होती है, किससे, डायमंड से, मींस जब ग्रेफाइट बनता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है रदर देन डेट ऑफ डायमंड, ये बताया था। फिर एक हमने कंपैरिजन करा था कि डायमंड और ग्रेफाइट में थर्मल कंडक्टर कौन अच्छा होगा, तो अभी ऐसी बात है, ध्यान समझते हैं, ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन अनदर तीन कार्बन एटम से जुड़ा होता है ना, और यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 ऐसा होता है, क्लियर। अब ध्यान से समझेंगे, तो थर्मल कंडक्टर मीन्स क्या, पार्टिकल क्या करेंगे, हीट का ट्रांसफर करवाएंगे, तो जहां पे पार्टिकल ज्यादा है वो अच्छा हीट का कंडक्टर होगा, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम थर्मल कंडक्टर की बात करें, तो थर्मल कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड इज अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन दैट ऑफ ग्रेफाइट, एनहेंस IIT में एक बार क्वेश्चन दिया था, एनहेंस डायमंड इज यूज एज अल्ट्रा थर्मोमीटर मीन्स हाई टेम्परेचर आपको मेजर करना है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ गया, डायमंड आपको क्लियर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है डायमंड में, ठीक है। कई बार आपको बॉन्ड लेंथ पूछ देता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लेंथ इज मैक्स, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम, जैसे डायमंड दे दिया, ग्रेफाइट दे दिया, फुलेरिन दे दिया, तो आंसर क्या आएगा, डायमंड, क्योंकि वहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट में तो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, फुलेरिन में सिंगल डबल बॉन्ड मिक्स होता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, अपना क्वेश्चन है फॉस्फीन पे, फॉस्फीन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना जो मैं ये करवाने वाला हूं क्वेश्चन, ये कम से कम आप देखो तो प्रीवियस ईयर में कम से कम ये 7-8 बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आया है और आ भी सकता है, ठीक है।
white phosphorus reacts with caustic soda. Caustic soda means NaOH. The products are PS3 and NaS2PO2. तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट दे दिया, लेकिन आप ये मान के चलना कि आपके एग्जाम में प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। बेसिकली रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट लिख लेते हैं, P4 प्लस NaOH प्लस H2O, है ना। तो ये बेसिकली बनाता है क्या, NaS2 NaS2 PO2 और साथ में क्या बनाता है, PS3 बनाता है। अब ध्यान से देखना ये जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन है। P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, NaS2PO2 जिसको बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, इसको ये बोलते हैं। PS3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फिन। PS3 को क्या बोलते हैं, फॉस्फिन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर देखें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, ये +1, ये क्या हो गया +2, है ना, और इधर क्या आएगा -4। तो इधर देखो -4 + 2, नेट क्या बचा -1, तो फॉस्फोरस क्या होगा यहाँ पे +1 में होगा, सिंपल सी बात है, तभी ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे जीरो होगा। PS3 में बात करें तो हाइड्रोजन क्या होगा, ध्यान से देखो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये +3, तो इधर क्या आएगा -3, मतलब फॉस्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है। जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में गया, जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में गया, जीरो से +1 में ऑक्सीडेशन स्टेट जाना मींस ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब हम कहेंगे P4 का ऑक्सीडेशन हुआ। जीरो से -3 में जाना मींस क्या हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन भी P4 का हो रहा है, रिडक्शन भी P4 का ही हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्रोपोर्नेशन रिएक्शन ऑफ P4? ऑब्वियसली आप कह सकते हो, मींस जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, द आंसर इज दिस। कई बार ऐसा पूछ देता है कि द रिएक्शन ऑफ P4, द रिएक्शन ऐसा बोल देगा, द रिएक्शन ऑफ P4 विद बॉइलिंग NaOH, है ना, कंसिडर द रिएक्शन ऑफ P4 विद बॉइलिंग NaOH, द प्रोडक्ट फॉर्मड हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एक्स एंड वाई, है ना। तो बोल देगा कि भाई एक्स प्लस वाई बता दो, एक्स माइनस वाई बता दो, इस तरीके से। तो ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, देखो फॉस्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने चाहिए, तो अगर एटम इधर उधर हो तो आप समझ लेना कि +1 कैसे आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में बात कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक का, नाइट्रिक एसिड HNO3। सबको याद है क्या, HNO3 पढ़ा है, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रिवाइज कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। व्हेन जिंक रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेज, जब कह रहा है कि जब जिंक क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ। देखो ध्यान से, ये क्या है, जिंक क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो मेटल के साथ जो HNO3 का रिएक्शन है उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने रिएक्शन कंडीशन क्या लिया है। बेसिकली मेटल जो है वो HNO3 के साथ तीन केस में रिएक्ट करता है। एक तो जब आप HNO3 क्या लिए, वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड लिया। दूसरा क्या लिया, सिर्फ आपने डाइल्यूट लिया है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड नहीं है, हाँ डाइल्यूटेड है बस। और तीसरा कंडीशन की आपने कंसंट्रेट HNO3 लिया है ना। तो इन तीन केस में रिएक्शन होता है और तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। जैसे इसको मैंने ट्रिक से भी आपको समझाया था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि देखो अगर HNO3 को हमें कंप्लीट रिवाइज करना हो सिर्फ 2 मिनट में तो कैसे करेंगे, ठीक है। 2 मिनट में अब HNO3 को हम रिवाइज करने वाले हैं। जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सेमी मेटल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, और मेटल के साथ भी ये रिएक्शन करता है। देखो याद करो, नॉन मेटल और सेमी मेटल मींस मेटलॉइड, दोनों से जब रिएक्शन होता था किसका, HNO3 के साथ, यहां पे कंसंट्रेशन का कोई झोल नहीं है, और यहां पे जो गैसियस प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, NO2 बनता था। साथ में जैसे एग्जांपल ले लिया, कार्बन के साथ अगर HNO3 क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो कार्बन का एसिड बन जाएगा, कार्बन का क्या बन जाएगा, यहां पे एसिड बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, NO2, और पानी तो हर जगह ही रिलीज होगी, है ना। रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका भी बताया था, ठीक है, चलो लेकिन उसकी बात नहीं करते, जेईई मेन में रिएक्शन बैलेंस करने में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है।
तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के साथ अगर HNO3 रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज करता है? NO2। NO2 एक पैरामैग्नेटिक गैस है, ठीक है, और ये ब्राउन कलर का होता है। देखो जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन का सिंगल एटम प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अनपेयर्ड एक रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स दोनों का रिविजन हो गया, ठीक है, अब तुम नोट चेक कर लो, है ना। अब आ जाते हैं भाई मेटल के साथ। तो मेटल के साथ HNO3 तीन केस में रिएक्ट करता है, एक वेरी डाइल्यूट एंड कोल्ड, है ना। तो FeZnSn के साथ जब वेरी डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करता है तो ये बनाता है नाइट्रेट, मतलब Fe से रिएक्ट करेगा तो Fe का नाइट्रेट Zn से रिएक्ट करेगा, Zn का नाइट्रेट साथ में बनाता है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 एंड ये क्या बनाएगा? H2O। एक चीज ध्यान देना, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि Fe रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, सॉरी नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट फॉर्म डेज। तो अगर NH4NO3 को देखें तो लोगों को क्या लगता है? इसका x मान लेंगे, इसका x मान लेंगे 2x और ऐसे नॉर्मल से निकालेंगे। नहीं भाई, यहाँ पे याद करो, क्लास में बताया कि यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसको अलग करके निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ देखो MgMn, सेम लेटर है MgMn, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है? H2। इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा तो नहीं है ये, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डाइल्यूट HNO3 के साथ मेटल का रिएक्शन देखें तो ये क्या NO गैस रिलीज करता है ना, एक्सेप्ट Fe एंड Zn। Fe Zn जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो N2O गैस रिलीज करता है। अब N2O की पूरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होगा, कलरलेस होगा, और चूंकि N2 आ गया मतलब अब नाइट्रोजन के एटम ऑड नहीं रहे, इवन हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक गैस हो जाएगा, क्लियर। तो आपसे पूछ सकता है कि Fe रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 एंड रिलीजेज अ कलरलेस गैस, है ना, कौन सा? N2O, ठीक है। अब कंसंट्रेट HNO3 के साथ कोई झोल नहीं है, मेटल कोई भी हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो NO2 बनाएगा, NO2 ब्राउन कलर्ड होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये कंप्लीट रिवीजन हो गया किसका? HNO3 का। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो? नोट्स खोल के देख सकते हो। समझ आया नहीं है? बोलो, समझ आ गया? हाँ, तो फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा, तुम बता दो इसका आंसर क्या होगा फिर, है ना। लास्ट वाला था क्वेश्चन, ये तो आगे बढ़ गया थोड़ा, ये था अपना, ठीक है, कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इट प्रोड्यूसेस NH4NO3, है ना। एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पे ऐसा लिख दे कि जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एंड हॉट नाइट्रिक एसिड, तो फिर ये जो NH4NO3 ये टूट जाता है किसमें? N2O और H2O में, हॉट कंडीशन में, लेकिन यहां पे हॉट लिखा नहीं, तो आंसर हम क्या करेंगे? NH4NO3 करेंगे। चलो, तो अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? When AgNO3 is heated strongly, the products formed are, कह रहा है कि जब AgNO3 को हम हीट कर देंगे स्ट्रॉन्गली तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है नाइट्रेट पे। नाइट्रेट पे ऑलरेडी आपने क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, ठीक है, कि जब हम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। आप देखो, कंप्लीट रिविजन करेंगे नाइट्रेट का, कि देखो नाइट्रेट जो है वो तीन टाइप का हो सकता है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स मीन्स अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट हो सकते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स मीन अल्कालाइन अर्थ मेटल्स एंड जैसे Fe कॉपर, इनके नाइट्रेट हो सकते हैं, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल मीन्स AgAg इस टाइप के मेटल के नाइट्रेट हो सकते हैं। तो तीनों को जब आप हीट करो तो डिकम्पोज करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल मतलब क्या है कि भैया दूसरे के साथ इसका प्यार बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे कि KNO3, इसको अगर आप हीट करोगे तो देखो प्यार इसका जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी गहरा है, ऑक्सीजन के साथ भी गहरा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ही अपने साथ रखेगा, मींस ये मेटल नाइट्राइट बनाएगा, नाइट्राइट TE, है ना, बनाएगा। और ऑक्सीजन देखो हमेशा ही रिलीज होगी जब आप, है ना, किसी भी केस में ले लो, जब आप नाइट्रेट को हीट करोगे। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल मीन्स देखो इसका प्यार ऑक्सीजन से हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन का ये साथ छोड़ देता है, मींस यहाँ पे क्या बनेगा? NO2 बनेगा, O2 तो हर जगह बनी रहा था, और ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लिस्ट रिएक्टिव मेटल मींस इसकी कोई औकात ही नहीं है, है ना, तो इसके साथ ना नाइट्रोजन रहेगा ना ऑक्सीजन रहेगा, तो यहाँ पर NO2 और O2 बनेगा। मींस जब AgNO3 को आप हीट कर रहे हो या फिर AgNO3 को आप हीट करोगे तो Ag यहाँ पे है ना ब्लैक प्रिसिपिटेट मिलेगा और साथ में NO2 और O2 गैस बनेगा। तो नाइट्रेट का हो गया कंप्लीट रिवीजन। बात समझ में आया? तो आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर आएगा अपना NO2 एंड O2, दिस इज योर कंप्लीट,
है ना आंसर क्लियर, किसी को डाउट दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाएं क्लियर। हाँ नेक्स्ट में कह रहा है कि द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बोराजोल, बोराजोल का मतलब समझते हो। अब देखना बोराजोल अगेन क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं। कोई लोग ये मत सोचना कि ये तो आया है तो नहीं आएगा, अरे आएगा यार, नया क्वेश्चन नहीं बन रहा है ठीक है, इन सबसे वही आएंगे घुमा फिर आगे। द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बोराजोल आर कितने सिग्मे कितने पाई। सबसे पहले बोराजोल को क्या बोलते हैं, बोराजीन भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है ठीक है। इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है ठीक है, अल्टरनेट पोजिशन पे क्या करना है, अल्टरनेट पोजिशन पे आपको क्या करना है भाई, रख देना है किसको, बोरॉन को, अल्टरनेट पोजिशन में बोरॉन को जैसे ऐसे रखते जाओ, फिर नाइट्रोजन रखो फिर बोरॉन रख दो ठीक है, इस तरीके से है ना, सिक्स मेंबर रिंग बनेगा। अब देखो होता क्या है कि नाइट्रोजन क्या करता है, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होके, दूसरा क्या है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को भेजता है, चूंकि बोरॉन यहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने वाला है ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो ऐसी होगी कहानी, मतलब नाइट्रोजन पे क्या आएगा प्लस, चूंकि ये डोनर है, बोरॉन पे क्या आएगा माइनस, फिर यहां पे एज इट इज रहने दो, अगेन यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड प्लस माइनस, यहां पे ऐसे रहने दो, और यहां पे क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा प्लस माइनस, और ये सिंगल बॉन्ड। मीन्स बेंजीन में क्या होता था, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता था है ना, ऐसा बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच, फिर उसके जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फिर हाइब्रिड, फिर ऐसे बात करते हैं ना कि हर जगह है ना पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी दिखाने के लिए क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो सिमिलर एटम के बीच नहीं है, यहां पे जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो डिसिमिलर एटम के बीच में, मींस ये बॉन्ड जो है वो पोलर है, तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ बेंजीन, मींस बोराजोल आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ व्हाट बेंजीन। इवन ये रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है, लेकिन पार्शियली एरोमेटिक होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन सेम एटम के ऑर्बिटल्स में नहीं होता है ठीक है, अलग अलग एटम, मतलब वहां पे सारे कार्बन नहीं थे, यहां पे क्या बोरॉन नाइट्रोजन ऐसा है क्लियर है। हाँ अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना है ना, हर जगह एक एक क्या होगा, अभी हाइड्रोजन भी होगा, दिस इज योर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिग्मा पाई जो भी है काउंट कर लो ठीक है, तो पाई तो एक दो तीन हो गया, मतलब तीन पाई वाला ऑप्शन देख लो तो ये आएगा ठीक है ना, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बोराजोल, तीन पाई एक ही ऑप्शन में, बारह सिग्मा आ ही रहा होगा, तुमको अब काउंट करने की जरूरत नहीं, कैसे आ रहा होगा देख लो, छह तो इधर और हर एक एटम से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो छह उधर, तो बारह सिग्मा भी हो गए ठीक है। एक चीज मैं एक टास्क आपको देता हूं कि प्रिपरेशन ऑफ बोराजीन वाला हमने रिएक्शन आपको बताया था, याद करो ठीक है, वो कंप्लीट कवर करके जाना, कंप्लीट कवर करके ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिडेज, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिडेज, ध्यान देना अपने पी ब्लॉक में ग्रुप 15 की फास्फोरस की बात कर ले और ग्रुप 16 में सल्फर की बात करें, ऑक्सो एसिड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करें मींस H3PO4, H3PO4 इज कॉल्ड व्हाट, फास्फोरिक एसिड, यहां से जब आप H2O निकालते थे तो क्या बनता था भाई, मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता था है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड है ना, सारी ट्रिक मैंने ऑलरेडी करा रखा है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड यहां बनेगा, सारी ट्रिक की हाइपो कैसे बनता है, मेटा कैसे बनता है, पायरो कैसे बनता है, सब कुछ करा रखा है ठीक है। तो जो अगर दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा कोई ट्रिक नहीं पढ़ा है कमेंट करेंगे, अगले दिन में बता दूंगा ठीक है। चलो जो यहाँ के बच्चे हैं जिनको मैंने पढ़ा है तो वो कॉपी में देख लेंगे है ना। तो इसे H2O जस्ट बाहर करो तो H2 बाहर होगा तो H बच जाएगा, P बच गया, एक ऑक्सीजन बाहर होगा तो 3 बच गया, तो SpO3। अब ये जो मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है ये दो टाइप के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, एक तो पॉलीमेरिक लीनियर स्ट्रक्चर, एक तो ये क्या भाई पॉलीमेरिक लीनियर स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या होता है साइक्लिक ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है, दूसरा ये क्या भाई साइक्लिक ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है। अब कैसे साइक्लिक ट्राइमर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जस्ट क्या करो आप 3 H3PO4 लिखो है ना, और उसमें से 3 H2O क्या कर दो माइनस कर दो, तो साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे,
देखो S3PO4 का स्ट्रक्चर पहले लिखना तो जान लो, तो P डबल बॉन्ड O कनेक्ट कर दो, बाकी OH का कपल बना दो, है ना, वैसे भी वैलेंटाइन आ रहा है तो OH OH और OH ये तीन कपल बनेंगे ना यार, एक ऑक्सीजन इधर तो तीन ऑक्सीजन बचा, तो तीन हाइड्रोजन, तो तीन कपल बना दिए हमने। अब क्या करना है, बारी बारी से, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। P डबल बॉन्ड O ये तुम्हारा क्या हो गया OH, ये अपना क्या हो गया OH, और इधर अपना क्या है OH, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या लिखा है, दूसरा यूनिट लिख दो, P डबल बॉन्ड O OH OH और इधर क्या आ गया OH। फिर क्या करेंगे, P डबल बॉन्ड O, इसके सामने एक OH, इसके सामने एक OH और एक OH, ऐसे लिख दो। अब H2O बाहर करना शुरू करो। अब क्या करना है आपको, H2O बाहर करना शुरू करना है, ठीक है। यहां से H2O बाहर हुआ, इधर से H बाहर हो गया, तो इधर से OH बाहर करो, तो OH H यहां से बाहर हो गया, ठीक है। इधर से सिर्फ H बाहर हुआ, मतलब इसका OH बाहर होगा, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये OH H बाहर हो गया, ठीक है। अब सबको क्या कर देना है भाई, अब सबको क्या कर देना है, बस सॉरी, है ना। देखो इधर से OH बाहर किया है, मीन्स यहां से HOH, ये क्या होगा बाहर, सबको अब ज्वाइन कर दो, बस क्या बना दो स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका ये हो जाए P डबल बॉन्ड O OH, यहां पे आओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, ये वाला फास्फोरस, फास्फोरस से क्या लगा है डबल बॉन्ड O और OH लगा है, इस फास्फोरस के आगे आओ क्या गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे फिर क्या आ जाएगा ये वाला फास्फोरस, फास्फोरस से क्या लगा है डबल बॉन्ड O और OH लगा है, फिर इस फास्फोरस से देखो ये क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किससे जोड़ देना है इससे, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड, कितने पीओपी बॉन्ड, एक इधर एक इधर एक इधर, कितने तीन, ठीक है, आंसर क्या आएगा सी। तो इसकी पूरी कहानी कर दिया, ट्रिक भी बता दिया कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर इस क्वेश्चन को स्किप करना, ये गलत क्वेश्चन आ गया है ना, N2 वाले क्वेश्चन आता है, NH3 कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं ये नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप करते हैं हम लोग। चलो आ जाते इधर, द कलर इंपार्टेड बाई कोवल्ट टू कंपाउंड टू ग्लासेस, बोरेक्स ब्रिट टेस्ट पढ़ा है, उसमें मैंने कलर वलर भी लिखवाया था ना, इवन मैंने तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, हॉट एंड कोल्ड सब कंडीशन में लिखवाया था। तो कोवल्ट टू कंपाउंड जो है वो बोरेक्स ब्रिट टेस्ट जब देता है तो उसका बिट कैसा बनता है भाई, डीप ब्लू कलर का बनता है, ठीक है। इवन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इन बोरेक्स ब्रिट टेस्ट जो कोवल्ट का बिट बन रहा है, ठीक है, तो जो कलर इंपार्ट किया जाता है वो किसे कारण किया जाता है, तो वहां पे कंपाउंड के नाम भी बताने पड़ेंगे जो कि रेगुलर नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, तो उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड लुब्रिकेंट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेल्ट, है ना, अच्छा लुब्रिकेंट एंड डिफिकल्ट टू मेल्ट, द रीजन फॉर दिस एनामोलस बिहेवियर इज दैट ग्रेफाइट, क्या है रीजन इस एनामोलस बिहेवियर का, has carbon atoms arranged in large plates of ring of a strongly bonds carbon atom with weak interpellate bonds, ठीक है। एक तो ये कह रहा है कि जो यहां पे ध्यान समझते हैं कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं लार्ज रिंग्स में क्या होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं स्ट्रॉन्गली बॉन्ड से, है ना, स्ट्रॉन्गली बॉन्ड जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, याद करो ना कि जब हम ग्रेफाइट पढ़े तो क्या एक लेयर के जो कार्बन होते हैं सब क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं हेक्सागनल रिंग ऐसे ऐसे बना के, ठीक है, और फिर एक लेयर दूसरे लेयर से क्या होता है वंडरवाल फोर्स से जुड़ा होता है। तो वही कह रहा है कि फिर कह रहा है कि कार्बन एटम विद विक इंटरपेलेट, इंटरपेलेट मतलब इंटरपेलेट बॉन्ड्स मतलब क्या हो गया कि जो दो है ना यहाँ पे दो प्लेट होगा, दो लेयर जो होगा उनके बीच विक बॉन्ड्स होंगे, इज अ नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, रियली ये सब कोई इन एन ऑलोट्रॉप ऑफ कार्बन तो क्या हो गया, हैज मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरिएबल मॉलिक्यूलर मासेस लाइक पॉलीमर्स, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ध्यान से देखो जब ऐसे क्वेश्चन आए, मान लो एग्जाम में पहली बार आए, कभी ऐसा ट्राई नहीं किया, तो हमेशा लॉजिकली जाना कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा होगा, है ना, कि ये लुब्रिकेंट है सॉफ्ट भी है ना, तो लुब्रिकेंट है सॉफ्ट है, तो बेसिकली यहां पे जो करेक्ट रीजन बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है कि जो एक ही लेयर में कार्बन एटम है वो बड़े बड़े रिंग्स बना के है ना, है हेक्सागनल रिंग्स बना के है, और दूसरे लेयर से ये कैसे जुड़ा हुआ है वंडरवाल फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसको लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है भाई डिफिकल्ट टू मेल्ट है, तो ऑप्शन ये क्या होगा सही होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाते हैं सिलिकेट पे, सिलिकेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रुप 14, है ना, ग्रुप 14 में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन ग्रेफाइट के प्रॉपर्टीज आपको, सॉरी ग्रेफाइट डायमंड के प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, फिर सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स,
ఏది ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిలికేట్. చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిలికేట్ మే కౌన్ సా యూనిట్ ప్రజెంట్ హోగా. దేఖో సిలికేట్ భీ హమ్ ఆసానీ సే యాద్ కర్ సక్తే హై. కైసే సర్ ఆసానీ సే కైసే యాద్ కర్ సక్తే హై? తో దేఖో కుచ్ మైనే ట్రిక్ ఆప్కో క్లాస్ మే బతాయీ థీ టు క్రాస్ ద పోలాండ్స్ డెన్, జిసే హమ్ క్యా లిఖతే థే, ఫార్ములా లిఖతే థే సారే సిలికేట్స్ కా. ఔర్ ఫిర్ దూసరే టైప్ కా జో క్వశ్చన్ ఆతా హై కి కిస్ సిలికేట్ మే కితనే నంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ షేర్ హువే హై. ठीक है, तो सबसे पहला हम कहानी करेंगे है ना कि फॉर्मूला कैसे लिखते थे सिलिकेट में. तो हमने वहां पे बताया था एक ट्रिक टू क्रॉस पोलैंड्स डेन ऐसा बताया था. सबका एक एक लेटर उठा लो, टू का टी उठाओ, क्रॉस का सी उठाया, फिर आर उठाया, फिर क्या उठाया, ओ उठाया, फिर एस दो बार नहीं एक ही बार उठाना है, फिर पोलैंड का पी उठाओ, फिर क्या डी उठा लो. ठीक है, अच्छा टीका मतलब होता है टेक्टो, टेक्टो मीन्स 3D सिलिकेट है ना. सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब गया चेन. आर का मतलब क्या हो गया रिंग, रिंग को साइक्लिक भी बोलेंगे. ठीक है, ओ का मतलब क्या हो गया ऑर्थो, ऑर्थो. उसके बाद एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया सीट. पी का मतलब क्या हो गया पायरो, डी का मतलब क्या हो गया डबल है ना. अब देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एसआई एटम कितने प्रेजेंट होंगे कैसे लिखना है ना. 1111 लास्ट में 22 का 4 कर दो है ना. बस क्या करना है, पहले ये लिख लिया फिर 22 का 4 कर दो और उसके पहले सब सिलिकॉन आइटम 1 है. ठीक है, अब देखो ध्यान से जो बेसिक बात है यहां पे कि जो हम 3D सिलिकेट पढ़े थे, 3D सिलिकेट जैसे क्वार्ट्ज हो गया सिलिका, तो सिलिका का स्ट्रक्चर याद करो. सिलिका हम किसको बोलते हैं, SiO2, उसका होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो इतना तो याद ही रहेगा कि टेक्टो मतलब क्या हो गया भाई, SiO2 होता है फॉर्मूला, मतलब ऑक्सीजन आइटम कितने होंगे, 2 होंगे. अब बाकी के ऑक्सीजन आइटम कैसे लिखना है समझना, ध्यान समझना. 2 और 1 3 चेन मीन्स, चेन मतलब यहां पे क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा, SI एक एटम तो O3, मतलब फॉर्मूला बनेगा SiO3. ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेन का फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब इसमें माइनस माइनस कितना आएगा ये डिसाइड कर सकते हो. 3 ऑक्सीजन है मतलब -6, इधर 4 है सिलिकॉन, तो हमेशा 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना आ रहा है -2, तो इस पे चार्ज क्या आएगा -2, तो माइनस माइनस भी डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, अच्छा अब आगे कैसे सिलिकेट में ऑक्सीजन आइटम लिखते हैं, देखो 2 और 1 3 हो गया, चेन और साइक्लिक दोनों सेम लेटर से शुरू होता है, बस हमें यहाँ पे साइक्लिक को रिंग लिख दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए क्या होगा 3/रिपीट ही होगा है ना. अच्छा उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखो 1 और 3 4 हो गया, 1 और 4 5 हो गया, 2+5 7 हो गया, और लास्ट में बस ध्यान रखना 7 और 2 11 नहीं हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 2 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 लिखना है. तो आपको दो जगह ध्यान रखना है कि 3 3 2 बार रिपीट होगा, क्योंकि चेन और साइक्लिक मतलब सेम कहानी है. ठीक है, और लास्ट में 11 आएगा है ना ऐसे. फिर ऑक्सीजन एटम कितने शेयर होते हैं, मींस आपसे पूछा कितने ऑक्सीजन कॉर्नर शेयर हो रहे हैं, तो जो पायरोसिलिकेट होता है उसमें एक, देखो ऑर्गेनिक में आपने रिएजेंट पढ़ा था, वहां भी मैंने ट्रिक बताया था, पीसीसी याद करो, पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन में, ऑब्वियसली नहीं अल्कोहल में पढ़ा होगा है ना. तो पीसीसी और उसके बाद ध्यान समझते हैं, उसके बाद क्या आएगा, अल्फाबेट एस आएगा, मीन्स सीट सिलिकेट आएगा, मीन्स 2D सीट सिलिकेट, और उसके बाद क्या आएगा 2D के बाद क्या आएगा 3D, यही तो लॉजिकल चीज है. ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे, 1 मतलब पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, सीसी मतलब देखो यहां भी फॉर्मूला भी रिपीट हो रहा है, ऑक्सीजन एटम भी रिपीट होगा. ठीक है, तो 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा. ठीक है, फिर उससे आगे बढ़े तो 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हुआ, फिर उसके आगे बढ़े तो 4, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. ठीक है, ये सारे हमने ट्रिक्स ऑलरेडी बताए हुए हैं, आपको रिवाइज हो गया, क्लियर है कि नहीं है? हाँ है. तो यहां पे अब बात करनी है कि चेन स्ट्रक्चर की, तो चेन मतलब क्या हो गया भाई, SiO3 2 माइनस का होल लेन होगा, तो ये होगा बेसिक यूनिट, और एन यूनिट लगाते चले जाओ. ठीक है, तो पूरा वो बन जाएगा स्ट्रक्चर. ठीक है, क्लियर है ना. हाँ, नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बोला सिलिकॉन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब सिलिकॉन की अगर लॉजिकल बात होती है बहुत आसानी से बन जाता है सिलिकॉन का क्वेश्चन है ना. ध्यान से क्या कहा जा रहा है, Among the following substituted silanes, the one which will give rise to cross-linked silicon polymer on hydrolysis. देखो, alkyl silicon और chloride, इसे compound को क्या बोलते हैं, हम silane बोलते हैं. कह रहा है कि किस silane का जब हम hydrolysis कराएंगे तो फिर वो क्या करेगा, cross-linked silicon polymer बनाएगा. ठीक है,
देखो क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन सिलिकॉन पॉलीमर मतलब क्या होता था कि भाई एक चेन सिलिकॉन है फिर दूसरा चेन सिलिकॉन है और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए इंटरलिंक होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जो चेन सिलिकॉन बनेगा वो कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे देखो पॉलीमर कैसे बनेगा, बेसिकली H2O का रिमूवल होता चला जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो सेंट्रल एटम SI है ना, अगर मुझे चेन सिलिकॉन बनाने हैं मतलब इस दो तरफ मुझे क्या चाहिए एक्टिव साइड चाहिए, दो तरफ क्या चाहिए OH चाहिए, तभी ऐसा सिमिलर यूनिट दूसरा लेंगे, ठीक है, ऐसा हम सिमिलर यूनिट क्या लेंगे दूसरा लेंगे, तो यहां से H2O क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा SIR RO से कौन जुड़ गया SI फिर OR फिर अगले वाले यूनिट के साथ ये बाहर हो जाएगा, पिछले वाले यूनिट के साथ ये बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या भाई पॉलीमर बनते चला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे चेन सिलिकॉन्स बोलेंगे, सिंपल चेन सिलिकॉन्स हुआ। अब ध्यान से देखो मुझे अगर चेन सिलिकॉन बनाना था तो मुझे क्या चाहिए था भाई, इस कंपाउंड में दो तरफ OH चाहिए था, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्रॉस लिंक चाहिए मींस इसको अब दूसरे से भी अगर हमें लिंक करना है तो मींस यहां पे R नहीं होना चाहिए, इधर भी क्या होता अगर OH होता और फिर इधर से है ना दूसरा लेयर लेते उसका भी हो जाता, यहां से H2O बाहर होके है ना क्रॉस लिंक्ड सिलिकेन बना देगा। मतलब यहां से हमें क्या समझ में आता है कि अगर मुझे क्रॉस लिंक्ड सिलिकेन बनाना है तो इसका मतलब यहां पर एक अल्काइल होना चाहिए और तीन क्या होना चाहिए OH होना चाहिए मोनोमर में, ताकि इधर जाए चेन इधर दूसरे लेयर से है ना एड होके क्रॉस है ना लिंक्ड सिलिकेन बना दे। अब देखो RSIOH का होल थ्राइस चाहिए तो OH हाइड्रोलिसिस करने पे किसके जगह पे आएगा Cl के जगह पे आएगा, तो तीन OH है तो तीन Cl चाहिए है ना, मींस तीन Cl चाहिए SI चार ही बॉन्ड बनाएगा तो R एक ही होगा फिर, तो कोई टेंशन नहीं है, आंसर क्या आएगा C आएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस लिंक्ड सिलिकेन हो गया, चेन सिलिकेन मैंने बता दिया। कई बार ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कांट फॉर्म द सिलिकॉन्स ऑफ हायर मॉलिक्युलर मास है ना, तो हायर मॉलिक्युलर मास मतलब पॉलीमराइजेशन बहुत दूर तक नहीं हो, जैसे हमने क्या किया मान लो अगर हमने ले लिया है R3SiCl है ना और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा R3SiOH बनाएंगे। अब इसका अगर तुम कराओ तो थोड़ा पॉलीमराइजेशन, तो RRR और इधर क्या है OH है, दूसरा यूनिट लो SiOHRRR, ठीक है। तो अब ध्यान से देखें तो यहां से हम H2O बाहर करेंगे तो यहां पे जो सिलिकॉन बनाएगा वो RR इधर आएगा RO SiRR और इधर क्या आएगा R आएगा। अब आगे बढ़ ही नहीं सकता है चैन, क्यों, क्योंकि इधर अल्काइल ग्रुप आ गया, OH ग्रुप नहीं, इधर भी अल्काइल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो इसलिए जब आप R3SiCl लेते हो तो सिर्फ डाइमर का ही फॉर्मेशन होता है, तो हायर मॉलिक्युलर वेट सिलिकॉन नहीं बन सकता। कई बार तो ऐसा पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ओनली डाइमर है ना, तो आंसर आएगा। कई बार ऐसा पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू टर्मिनेट और टू कंट्रोल द चेन लेंथ ऑफ सिलिकॉन, जैसे हमने नॉर्मल सिलिकॉन बनाना है चेन सिलिकॉन, ठीक है, तो क्या हो रहा था हर जगह ये एक्टिव साइट ओ तो जैसे लास्ट में OH बचेगा तो अगले यूनिट से वो H2O बाहर ऐसे करते करते बहुत दूर तक जाएगा। हमें कहना है कि नहीं भाई हमें रोक देना है यहां पे, तो क्या करना है इसके आगे मैं क्या करता है इसके आगे मैं ले लेता OH SiRRR, तो यहां से H2O बाहर होता, इसके आगे अब चेन बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि अल्काइल आ गया, समझ में। तो सारे सिलिकॉन के मैंने कॉन्सेप्ट यहां पर रिवाइज करा दिए, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, मेरे क्लास में अगर रट्टा मार रहे हो मतलब क्या ही मैं बोलूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रुप 14 कंप्लीट रिवाइज हो गया आपका कंप्लीट। एक SiO2 में एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर कितना SiO SiO बॉन्ड बनता है ना एक रिंग में, वो याद कर लेना। द एग्जीबिशन ऑफ हाइएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द सेंट्रल एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट लाइकली टू एक्ट एज सेंट्रल एटम इन MF6 3-। देखो कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट यहां पे सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता है MF6 3- बनाने के लिए, मींस ये क्या है ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, मींस यहां पे सेंट्रल मेटल के एटम के अबाउट है ना जो सराउंडिंग एटम है वो कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। इसका सीधा सीधा आंसर है, ग्रुप 13 मैंने ढंग से पढ़ाया है, सीधा सीधा आंसर बोरॉन हुआ, क्यों, इसकी साइज बहुत ही स्मॉल है इसलिए 6 ऑक्सीडेशन नंबर एकोमोडेट नहीं कर सकता है, तो आंसर क्या आएगा ए बोरॉन, क्लियर। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहा जा रहा है
कैटेनेशन पे ये क्वेश्चन, कैटेनेशन दैट इज लिंकिंग ऑफ सिमिलर एटम डिपेंड्स ऑन साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, द टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन इन ग्रुप 14 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। ये भी नोट्स में लिखवाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, फिर भी रिवाइज कर लेना है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है कि सिमिलर एटम जुड़ जुड़ के है ना लंबा सा पॉलीमर बना दे। कैटेनेशन वहां पे होगा जहां पे एटम की साइज स्मॉल होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेस्पेक्टिवली क्या हो, ज्यादा हो। बात समझ में आता है। अब अगर हम ग्रुप 14 की बात कर ले तो ग्रुप 14 का अगर हम एलिमेंट काशी गए शंकर पार्वती, तो सबसे स्मॉलर साइज किसकी होगी, कार्बन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है ना। तो बेटर कंडीशन जो है वो कैटेनेशन का वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, कार्बन के लिए है। तो कार्बन जो है वो आसानी से कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ना, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप 14 में, बिकॉज इसकी साइज स्मॉलर है और इसलिए कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये आगे ऐसे है ना लंबा सा पॉलीमर बना सकता है। इसलिए जो ध्यान समझते हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत बहुत ज्यादा होगी, यहाँ पर 3 एरो लगा लेना है ना, बहुत बहुत ज्यादा होगी। क्लियर, सिंपल, सिर्फ ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। कई बार एग्जाम में होगा आपको ये भी दिया रहेगा, आपको ये भी दिया रहेगा, तो आपको ऑप्शन ये करना है बहुत बहुत ज्यादा वाला, ठीक है। नेक्स्ट में अगेन क्या आ गया, सिलिकॉन पे क्वेश्चन, ये तो तुम खुद कर लोगे। इसका आंसर मुझे क्या करना है, कमेंट करना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया 344 का आंसर कमेंट करो। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल इट कंटेन्स। क्वार्ट्ज में क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिंपल सी बात है, तो आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी। यहां से एक चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि क्वार्ट्ज को हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 टू अ क्लोराइड सॉल्ट, जैसे हमारे पास क्या है, एक है ना क्लोराइड सॉल्ट है, उसमें हमने क्या किया, कंसंट्रेट H2SO4 को एड कर दिया, कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व्ड, है ना। तो यहां से क्या मिले हमें, कलरलेस फ्यूम्स मिले, है ना, अच्छा बहुत बढ़िया। बट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट, जब हमने आयोडाइड सॉल्ट लिया और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो क्या कह रहा है, वायलेट फ्यूम्स कम्स आउट। यहां पे क्या आया भाई, वायलेट फ्यूम्स आया, दिस इज बिकॉज, क्यों, देखो यहां पे ध्यान से समझना, H2SO4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंसंट्रेट H2SO4 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और कंसंट्रेट H2SO4 क्या एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सल्फर यहां पे क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर का क्या है भाई, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये अब देखो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, खुद रिड्यूस हो सकता है, तो सामने वाले तो ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए कंसंट्रेट H2SO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान से समझेंगे, अब जब हम सॉल्ट ले रहे हैं कौन सा, क्लोराइड, और कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना, और बेसिकली यहां पे गैस रिलीज होगी लाइक Cl2, है ना, ऐसा कुछ। फिर कह रहा है कि अच्छा वो भी हमें छोड़ो, कौन सा गैस, आयोडाइड सॉल्ट के साथ ये वॉयलेट फ्यूम्स देते हैं, वॉयलेट फ्यूम्स किसके होते हैं, Io2 के होते हैं, तो सिंपल यहीं से आंसर मिल गया था। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो अपना दिस इज बिकॉज HI इज ऑफ वॉयलेट कलर, नहीं HI तो नहीं, HI2HIO3 नहीं, H2SO4 रिड्यूसेज, रिड्यूस नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, HI गेट्स ऑक्सीडाइजेस टू I2, है ना, ये सही है ना, I2 बनेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी से। क्लियर, हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा के कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10 इज, P4O10 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ये आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, P O O P O P O P, चार हो गए क्या, चार तो हो गए, ठीक है। अब देखो उसके बाद याद करो, ये ऐसे जुड़ा होता है, ये ऐसे जुड़ा होता है, ये अभी क्या है, P4O6 हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही ऑक्सीजन है। O10 बनाना है मतलब फास्फोरस से क्या करना है, हर जगह डबल बॉन्ड हो, ज्वाइन कर दो, जो दो इलेक्ट्रॉन बचे थे उसको हटा दे, ऐसा, ये हो गया P4O10, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10 कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, फटाफट बताना है, ठीक है। एक सिग्मा यहां, 1 2 3
चार पांच, उसके बाद क्या हो गया, छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, उसके बाद ये पंद्रह सोलह, तो आंसर क्या आएगा, सोलह। ठीक है, दिस योर द करेक्ट आंसर, क्लियर। तो आई होप कि समझ में आ गया ये भी, है ना। P4O6 भी पूछ सकता था, तो P4O6 का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड एज, अमोनिया गैस को आप कैसे ड्राई कर सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, ड्राइड बाई, है ना, ड्राइड बाई, है ना, अमोनिया गैस कैन बी ड्राइड बाई, किस किस से हम ड्राई कर सकते हैं अमोनिया गैस को। तो ध्यान से देखना कि यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अमोनिया का एक बेस है, तो अगर यहां पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट को ले लेते हैं, मान लो एसिड, तो अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हम क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा, मीन्स फिर अमोनिया ड्राई नहीं हुआ, अमोनिया को तुमने किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया। भाई ड्राई करना मतलब क्या होता है, सुखाना, जस्ट जैसे ये शर्ट है, ये शर्ट भींगा हुआ है, इसको ड्राई करना है, मीन्स यहाँ से वाटर को निकालना। अब ऐसा थोड़ी इस शर्ट को तुमने फाड़ फोड़ के येलो कलर दिख रहा है, तुमने किसी और कलर का बना दिया है ना, इसको तुमने पोछा बना दिया, पोछा भी छोड़ो, ये शर्ट जो है वो अभी कॉटन का है, कॉटन को तुमने पता चला प्लास्टिक में चेंज करवा, वैसा होगा नहीं, ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो वो नहीं करना है, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको हम यूज कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें बेस को डिहाइड्रेट करना है, मींस बेस को ड्राई करना है, तो जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, बेस ही होना चाहिए। और अगर हमें एसिड का डिहाइड्रेशन करवाना है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, ताकि एसिड बेस रिएक्शन ना हो, सिमिलर के लिए सिमिलर यूज करना है। ठीक है, तो NH3 क्या है, बेस है, ठीक है, कॉन्क H2SO4 है, तो एसिड है नहीं चाहिए, P2O5 HD का ऑक्साइड है नहीं चाहिए, CaCl2 भी क्या है भैया अपना नहीं चाहिए अभी, है ना, सॉल्ट क्यू क्लाइम अगर बोले CaO क्या है, एकदम पक्का वाला ही है ना, बेसिक ऑक्साइड है, तो इसका आंसर डी होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं एक चीज आपसे आज पूछा था पहले भी, देयर इज नो SS बॉन्ड इन, है ना, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर पे क्वेश्चन है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना कि आपको आता है कि नहीं, या इसका ट्रिक मुझे समझाना पड़ेगा। बस एक चीज मैं छोटी सी बात कह देता हूं, कि जो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज होता है, जो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज होता है, उस समय क्या मिलता है, SS लिंकेज, सल्फ्यूरस मतलब SS लिंकेज यहां मिलता है। तो हमने पूछा कि नो SS बॉन्ड, मीन्स हमें ये बता देना है कि कौन सल्फ्यूरस एसिड सीरीज का नहीं है, मीन्स क्या होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का होना चाहिए, है ना। और सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज का कैसे पता करेंगे, ये आपको पता है कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगले लेक्चर में उसको डिटेल में समझा पाऊं। तो आज के लिए हमने इतना ही रखा है, कल और कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन, जैसे ये है उससे रिएक्ट किया, ऐसा गैस दिया उससे रिएक्ट किया, ये बेस बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, ऐसा कलर दिया, वैसा वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन कल करेंगे। और भी बचा खुचा बहुत सारे क्वेश्चन है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है, अभी ग्रुप 13 के भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, ग्रुप 15 के भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए, सब जितने भी इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक, वो सब मैं रिवाइज करा दूंगा अच्छे से। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।